टेल जय स्वामीनारायण। टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोर्स। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे ऑर्गेनिज्म्स है, कुछ फ्रेंड्स है, कुछ हमारे दोस्त है और कुछ है जो हमारे फोर्स मतलब दुश्मन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, वो वायरस एक टाइप का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो कैसा है, हार्मफुल है, मतलब हम उसमें उसको हम दुश्मन में गिनेंगे, ठीक है। बट हमें बहुत सारा अभी उसके बारे में पहले स्टडी करना है, बिट वायरस के बारे में फिर बाद में बात करनी है, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लास 8। ओके, तो मेरा पहला सवाल ये है कि माइक्रो का मीनिंग क्या होता है। ये माइक्रो का मीनिंग होता है बहुत छोटा, ठीक है। दूसरा एक वर्ड होता है मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा एंड माइक्रो मतलब छोटा, है ना। हमने जेरोक्स करवाते हैं, माइक्रो जेरोक्स आती है, माइक्रो वर्ड सुने, माइक्रोवेव ओवन सुना है हमने, ठीक है। तो वो माइक्रो का मतलब छोटा होता है। और ऑर्गेनिज्म्स, ऑर्गेनिज्म्स मतलब जो लिविंग है, ठीक है, हम जो देखते हैं जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो सब ऑर्गेनिज्म्स में आते हैं। जो लिविंग है मतलब जो जिसके अंदर ऑर्गन्स है, जो लिविंग है, लिविंग की तरह वो शो करता है कि वो लिविंग है ना। उसके क्या बोलते हैं कि अलग अलग रेस्पिरेशन करता है, वो डाइजेशन करता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो उसको हम ऑर्गेनिज्म्स बोलते हैं। तो हम भी एक ऑर्गेनिज्म है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन, ठीक है। जैसे प्लांट है वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग, ओके। तो माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा, ठीक है। सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आई, नेकेड आई मतलब खुली आंख से हम उसको नहीं देख सकते। जैसे कि ये ट्री है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है, आप मुझे देख सकते हैं, बराबर है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम आंख से नहीं देख सकते, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खुली आंख से नहीं देख सकते, नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब होता है खुली आंख से हम उसको नहीं देख सकते, ठीक है। उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने गड्डी डिटर्जेंट का ऐड देखा होगा, तो उसमें माइक्रोस्कोप दिखाते हैं, माइक्रोस्कोप में वो दाग है उसको जरा मैग्नीफाई करके बताते हैं, तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप। तो वही एक जो मशीन है माइक्रोस्कोप, उसमें बहुत सारे लेंसेज आते हैं, कन्वेक्स लेंसेज आते हैं, वो लेंसेज के हिसाब से उसमें सेटिंग होता है, वो सेटिंग करके हम उसको ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। जैसे कि हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, तो उसको मशीन में चेक किया जाता है कि भाई हमें कौन सा बीमारी है, क्या है, वो सब टेस्ट किया जाता है। तो कौन से मशीन से किया जाता है, माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे हैं और हम उसको खुली आँख से नहीं देख सकते हैं, देट आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। आपको कोई पूछे तो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सर्टेन ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खुली आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। देर आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फोर, ठीक है। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, यस बैक्टीरिया। सेकेंड इज फंजाई, फूग, जो ही है ना, ब्रेड पर आवे, अथाना पर आवे, रोटी पर आवे, है ना। कुछ दिन हम ब्रेड को बाहर खुले में रखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो वाइट सब्सटेंस जम जाता है हम उसको बोलते हैं फंजाई, फूग आ भी गई। पीछे तो मैं चौमासा में बिलाड़ी नो टोप जो है, हैव यू सीन इट, बिलाड़ी नो टोप, तो वो क्या है, फंजाई, फूग छे भाई, ओके। थर्ड इज एल्गाई, एल्गाई मतलब लील, लील तो जो ही छे बता, चौमासा में था, रोड पर, रोड के ऊपर होता है, पानी की टंकी के अंदर होता है, ठीक है, हमारे जो छत है उसके ऊपर जहाँ पानी जम जाता है वहाँ पे होता है, ठीक है। एल्गाई जहाँ जहाँ पानी होता है वहाँ पे एल्गाई अपना बसेरा बना लेता है, ठीक है। तो एल्गाई मतलब लील, अपनी भाषा में कहिए लील, ठीक है। कुछ कुछ लील एल्गाई में से शैम्पू भी बनाया जाता है, अगर आप टीवी को एडवर्टाइजमेंट ध्यान से देखेंगे तो रेड कलर की एल्गाई आती है, आपने ग्रीन कलर की अब तक देखी है, ठीक है, रेड कलर की आती है, उससे शैम्पू भी बनाया जाता है, ठीक है। मतलब वो फ्रेंड जोन में आ गया कि वो फ्रेंड है हमारा, ठीक है, जिससे हमें फ़ायदा हो वो फ्रेंड्स, जिससे हमें नुकसान हो वो फोज दुश्मन, ओके। फोर्थ इज प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मतलब आपने सुना है अमीबा, पैरामोशियम, प्लाज्मोडियम, क्लेमिडोमोनास, अमीबा तो आपने सुना है जो पानी में रहता है, पैरामिशियम जो चप्पल आकार का होता है, स्लीपर जैसा होता है, ठीक है,
तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ, एक ग्रुप है। आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कि ये जो प्रोटोजोआ करके जो ग्रुप है उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, सब सिंगल सेल के हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ में। तो वो चार ग्रुप हुए, कौन से, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गाई एंड प्रोटोजोआ। आप बोलेंगे सर आपने वायरस का नाम तो लिया नहीं, क्योंकि वायरस ये चारों से अलग है, क्योंकि वायरस है वो बाहर नॉन लिविंग है, ठीक है, मतलब शरीर के अंदर जाने के पहले। जैसे कि अभी कोरोना वायरस की बात करूँ तो कोरोना वायरस हम बोलते हैं कि उसको हम सैनिटाइज़र हाथ में लगाएंगे तो मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे भाई? क्योंकि वो बाहर इनएक्टिव होते हैं। जैसे कोई बॉडी मिलती है उसको, उसको हम होस्ट बोलते हैं, होस्ट, HOST, होस्ट, तो उसके अंदर जाता है तब वो लिविंग हो जाता है। हमारा सेल का सब मशीनरी इस्तेमाल करता है, सेल का न्यूक्लियस इस्तेमाल करता है, साइटोप्लाज्म इस्तेमाल करता है, और फिर वो एक से बढ़कर 2, 3, 4 ऐसा न जाने बहुत सारे बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हमें कोरोना वायरस की बात चली है तो पहली बात तो ये कि उसको बाहर तक ही रोक देना है। अगर हम बाहर तक रोकने में कामयाब हुए तो हमारे बॉडी के वो अंदर जाएगा नहीं और हमें उससे कोई खतरा नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं बार बार हाथ धोए, सैनिटाइज करें, मास्क पहने। मास्क क्यों पहनते भाई? कि वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाए नहीं, क्योंकि जो जब तक बाहर होगा तब वो नॉन लिविंग है और वो हमारा कुछ बिगाड़ सकता नहीं है, ठीक है। इसलिए वायरस को बाहर से ही हमें रोकना है, ठीक है। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट दे आर डिफर्स फ्रॉम अदर माइक्रोबीज, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है। क्यों अलग है? मैंने बताया कि वो बाहर नॉन लिविंग है और अंदर हमारा सेल का मशीनरी सब सामान है ना, मशीन इस्तेमाल करके वो लिविंग हो जाता है, ठीक है। इसीलिए देखो बाहर वो नॉन लिविंग है, अंदर वो लिविंग है, इसलिए हम उसको बोलेंगे वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग है, हमारी बॉडी के अंदर आके वो लिविंग हो जाते हैं, ठीक है। सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर, मतलब एक सेल का है यूनिसेल्युलर, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में आता है अमीबा, पैरामोशियम, क्लैमिडोमोनास, वो सब आते हैं, प्लाज्मोडियम आता है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ वो सब सिंगल सेल के हैं, ठीक है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर मीन्स टू मैनी, बहुत सारे सेल हो उसको मल्टी सेल्युलर, जैसे हम मल्टी सेल्युलर है, ठीक है, बट हम दिखते हैं इसलिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। पर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल बहुत सारे हैं तो भी हम उसको आँख से नहीं देख सकते, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्पायरोगायरा जो एक प्लांट है, पेनिसिलियम बैक्टीरिया है, एस्पराजिलस वो एक प्लांट है, ठीक है, वो सब कैसे है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। दे लिव अलोन और इन कॉलोनीज, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकेले भी रहते हैं एंड कॉलोनीज मतलब ग्रुप बना के रहते हैं, फैमिली की तरह भी रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे वायरस बोला ना मैंने, वायरस 1, 2, 3, 4 बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, साथ में हो सकते हैं या तो अकेला भी हो सकता है, ठीक है। वैसे अकेला भी खतरनाक है और बहुत सारे हो तो भी वो खतरनाक ही है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव अलोन और इन कॉलोनीज, मतलब अकेले भी रहते हैं और बहुत सारे मिलके भी रहते हैं। दे सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, वो हर एक टाइप के एनवायरमेंट में जिंदा रहता है, ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कहीं भी। जैसे कि कोरोना वायरस है, हमारे इंडिया में गर्मी है अभी, तो गर्मी भी रह लिया वो, वहाँ फॉरेन की कंट्रीज अमेरिका है, ब्रिटेन है, वहाँ पर ठंडी है तो वहाँ ठंडी में भी वो रह लिया, रशिया में बर्फ़ गिरती है बहुत सारी जगह पे, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो रह लिया, मतलब वो हर एक एनवायरमेंट में वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, मतलब बहुत ही ठंडा कश्मीर जैसा आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, मतलब गर्म इलाका, गर्म पानी वाला इलाका हो, ठीक है, वहाँ पे भी वो रहता है, मतलब वायरस को रहने के लिए ऐसा है नहीं कि मैं यहाँ पे ही रह सकता हूँ, यहाँ पे भी रह सकता हूँ, मेरे को यहाँ इधर फायेगा नहीं, इधर फायेगा नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। वायरस की बात नहीं है, हर एक ऑर्गेनिज्म कहीं भी रहता है, बहुत ठंडी में, बहुत गर्मी में, डेजर्ट्स में, ओके, डेजर्ट्स में, मार्शी लैंड्स, मार्शी मतलब गीला इलाका बोलते हैं ना, जहाँ पे जैसे कि नदी किनारे के ये ना पड़े, तो नदी किनारे के जो भी सब ट्रीज ना वो सब है ना वो मार्शी लैंड्स में आते हैं,
ठीक है, बेजवाड़ू, ओके, तो मार्शल एंड्स में भी वो रह लेते हैं, ठीक है। सम लिव फ्रीली एंड सम ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ कुछ है वो फ्रीली रहते हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामोशियम है, वो पानी में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, और वो कभी कभी हमारे अंदर भी आके हमें डिजीज भी कर सकते हैं, जैसे कि वायरस बाहर फ्रीली नहीं रह सकते, उसको किसी की बॉडी के अंदर जाना जरूरी है, जैसे कोई एनिमल हो या ह्यूमन हो या कोई प्लांट हो, उसके अंदर वो जाना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ कुछ है वो बाहर फ्री रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया बाहर हवा में घूमते रहते हैं, फंजाई वो बाहर घूमती रहती है, तो कभी कभी वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रह सकते हैं एंड बाहर फ्रीली भी वो रह सकते हैं। फ्रेंडली मार्कर ऑर्गेनिज्म, अब हम देखेंगे कि भाई कौन से हमारे लिए सही है और कौन से हमारे लिए घातक है, मतलब हमारे दोस्त है और कुछ है वो हमारे दुश्मन है। सम आर फ्रेंडली एंड सम आर नॉन फ्रेंडली, दुश्मन। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, कर्ड मतलब दही, ब्रेड, केक, चीज, अल्कोहल, मेडिसिन, वाइन, विनेगर। कर्ड दही, दही बनने के लिए हमने देखा है कि जो हमारा दूध होता है उसका मलाई, मलाई हम एक साइड निकाल लेते हैं, फिर उसके अंदर थोड़ा सा हम छाछ डालते हैं, बटर मिल्क डालते हैं या थोड़ा दही डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, दूध वो फट जाता है, क्या हो जाता है, फट, कभी कभी देखा होगा दूध फट जाता है, दूध फट के क्या बनता है भाई, दही बनता है, कर्ड बनता है। तो कर्ड क्यों बना भाई, क्योंकि वो दूध फटा, क्यों फटा, कि बैक्टीरिया की वजह से, वो बैक्टीरिया का नाम मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, तो उसकी वजह से बना वो, ठीक है। ब्रेड स्पॉन्जी, स्पॉन्जी बनता है, ब्रेड है, पाव है, वो बैक्टीरिया से होता है। केक, चीज, अल्कोहल, मेडिसिंस, अल्कोहल को वो फ्रूट बियर भी बोलते हैं, फ्रूट, फ्रूट है ना, फ्रूट को सड़ा के बनाया जाता है, ठीक है, जैसे कि अपने शेरडी, शेरडी आवे ना, उसका जो रस होता है, उसको गन्ना का रस, उसको एक बकेट के अंदर, एयर टाइट बकेट के अंदर भर देते हैं, फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो अल्कोहल बनता है, पर उसके लिए टाइम लगता है, तो उसको हम टाइम देते हैं और उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। मेडिसिंस, बहुत सारी दवाइयाँ भी बनी है, वाइन अल्कोहल जैसा, एंड विनेगर, विनेगर एक खट्टा सब्सटेंस आता है जो हम जो खाते हैं ना, वो चाइनीज़ नूडल्स खाते हैं, मंचूरियन खाते हैं, तो उसके अंदर ये डाला जाता है, विनेगर, खट्टा खट्टा आता है विनेगर, ठीक है। आगे, दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट एंड कन्वर्ट इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस। हमने देखा होगा कि हमने कहीं जगह पे, हमने खेत में देखा है, खेत में क्या होता है, वो गोबर डालते हैं, पता है, वो गोबर, गोबर क्या होता है भाई, एनिमल वेस्ट ना वो सब होता है, उसको हम अगर खड्डे में डाल दे, ठीक है, गोबर है, फिर प्लांट की चीज़ें है, जैसे कि बहुत सारी ब्रांचेज है, ठीक है, उसके लीव्स है, उसको हम ज़मीन में डाल दे, तो क्या होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देंगे, उसको सड़ा देंगे, और सड़ाने के बाद क्या बनेगा भाई, खातर, मैन्योर बनेगा, खातर कहिए ना अपने, कुदरती खातर, ठीक है, तो वो बना देता है, वो कौन मदद करता है उसके लिए भाई, बैक्टीरिया मदद करता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब प्लास्टिक, पॉलीथीन, पत्थर, ग्लास, वो सब उसमें नहीं आता, ब्रांचेज है, एनिमल वेस्ट है, ये लीव्स है, वो सब क्या होता है, सड़ जाते हैं, कौन सड़ाता है, बैक्टीरिया, और वो हमारा सॉइल का फर्टिलिटी भी बढ़ाता है, क्योंकि वो सड़ा देगा, तो सड़ाने से क्या होगा, उसके अंदर जो सब्सटेंसेस है वो सब अलग, हमने देखा कि बहुत सारे कि कोई एनिमल मर जाता है, बाद में अगर वो ज़मीन में पड़ा है तो उसका दो तीन दिन में स्मेल आने लगता है, क्यों स्मेल आने लगता है भाई, बहुत ख़राब सा स्मेल, क्योंकि बैक्टीरिया उसको सड़ा देते हैं, और सड़ाने के बाद क्या होता है भाई, स्मेल आती है, क्योंकि उसके अंदर से बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, और हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, ठीक है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, लैक्टोबैसिलस करके एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वो क्या करता है, कर्ड, मैंने अभी यहाँ बताया कि भाई कर्ड कैसे बनता है भाई, कि भाई दूध के फटने से बनता है, और दूध को फटने में कौन मदद करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसको प्रमोट करते हैं, और किस में कन्वर्ट करते हैं, दूध जब फट जाता है तब वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर
फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन मतलब आथवू ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बॉटर बेटर. ओके, इडली आपने देखा है, इडली का खीरा बनाना पड़ता है, डोसा का खीरा होता है. ठीक है, ऐसे ही चलो अभी डोसा खाने का मन हो गया तुरंत डोसा बन जाएगा, ऐसा नहीं, उसका खीरा चाहिए. खीरू कहें ना गुजराती में, तो खीरू कई रीते बने, एने लोट में पानी उमेरी ने थोड़ू मूकी दिया साइड में, थोड़ा कलाक लगे पची शू थी जाए, फर्मेंट थी जाए. ओके, फर्मेंटेशन हो जाता है, एंड देन आफ्टर फर्मेंटेशन के बाद उसका खीरा तैयार होता है और उसको हम तवे के ऊपर इडली या जो भी उसका प्रोसेस है बनाने का वो हम कर सकते हैं. उसके अलावा हांडवा आपने सुना होगा, हांडवा ढोकला, ठीक है ढोकला, ठीक है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनता है. आपने घर में देखना, मम्मी को पूछना कि हांडवा तुरंत तैयार हो जाता है, नहीं, उसका जो राइस का जो सब होता है फ्लोर लोट होता है उसको दोपहर में ही हमें पानी में थोड़ा पानी थोड़ा डाल के साइड में रख देना होता है, जिससे क्या होता है वो फर्मेंट हो जाता है शाम तक, फिर बाद में उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बना सकते हैं. ठीक है, तो फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया यीस्ट, यीस्ट इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर हांडवा का लोट, अगर आप मम्मी आप देखना इस बार कि अगर हांडवा का आपने लोट में पानी डाला है तब ध्यान से देखना, शाम तक उसके ऊपर बुलबुले जमा हो जाएंगे, क्योंकि ये यीस्ट है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, जिससे क्या होता है उसमें बुलबुले जमा हो जाते हैं. मतलब देखना कि भाई ये यीस्ट की वजह से हुआ है. ठीक है, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मतलब ऐसी दवाइयाँ जिससे हमारे अंदर जो कुछ डिजीज़ हो, डिजीज़ के जो जर्म्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हो, उसको हम मार सकते हैं. टू किल डिजीज़ कॉसिंग माइक्रोबीज, हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज़ कॉसिंग माइक्रोबीज है ना उसको हम मार सकते हैं, उसको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. मार्केट में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनी है, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम बैक्टीरिया में से बनी है, पेनिसिलियम आगे आ चुका है, कहाँ था पेनिसिलियम, हाँ ये रहा, पेनिसिलियम बैक्टीरिया में से बनाया गया है, एक साइंटिस्ट ने बनाया है, अभी बाद में बताऊंगा. ठीक है, टू किल डिजीज कॉसिंग माइक्रोबीज पेनिसिलियम. स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है. टेट्रासाइक्लाइन, न जाने बहुत सारी है बट हमने अभी आपको समझा इसीलिए तीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये हमारे जब फीवर आता है ताव आवे तब ये लिया जाता है, पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन एटीसी. साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ये बायोलॉजी है क्योंकि लिविंग है, तो ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाई होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. नंबर वन, लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट. यीस्ट जो फर्मेंटेशन होता है ना वो उन्होंने ढूंढा, डिस्कवर्ड किया, मतलब ये पहले से हो रहा था बट लुईस पाश्चर ने ढूंढा. एंड पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, हमने जो वो अमूल का थैली आता है, बैग आता है जिसके अंदर मिल्क आता है, वो मिल्क कैसा आता है, बैक्टीरिया फ्री आता है. ठीक है, उसको गर्म रखो या ठंडा रखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो दूध खराब होगा नहीं, तो उसको पेस्चराइज्ड मिल्क बोलते हैं. कौन सा, पेस्चराइज्ड मिल्क. अगर आपके पास अमूल का बैग हो मिल्क का तो उसके ऊपर पढ़ना पेस्चराइज्ड मिल्क लिखा होगा. ठीक है, तो ये भाई साहब ने वो चीज़ फाइंड आउट की थी. उसमें क्या करते हैं कि वो दूध को पहले ना बहुत सारा उबालते हैं, बहुत सारे टेम्परेचर पे उबालते हैं, फिर बाद में अचानक से ठंडा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हम भी घर में करते हैं ना, शाम को क्या करते हैं दूध को गर्म करके थोड़ा ठंडा करके बाद में फ्रिज में रख देते हैं, तो दूसरे दिन चलता है. व्हाट इफ़ वी लेफ्ट मिल्क आउटसाइड विदाउट बॉइलिंग इट, वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा. ठीक है, तो लुईस पाश्चर ने पेस्चराइज्ड मिल्क देखा होगा आपने, पेस्चराइज्ड मिल्क वो बैक्टीरिया फ्री होता है. ठीक है, इसलिए वो सड़ेगा नहीं, मतलब वो खराब नहीं होगा. ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अनदर साइंटिस्ट, उन्होंने पेनिसिलिन दवाई ढूंढी थी, एंटीबायोटिक्स, किसकी मदद से, पेनिसिलियम बैक्टीरिया से उन्होंने पेनिसिलिन करके एंटीबायोटिक खोजी है भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. थर्ड इज डॉक्टर एडवर्ड जेनर, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, अच्छा बड़ा कहिए ना आपड़े, बढ़िया बाप कहिए, यानी दवाई आ साहेबे शोधी थी डॉक्टर एडवर्ड जेनर.
डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, अछबड़ा। नंबर फोर, रॉबर्ट कोच ने भी क्या ढूंढा था, बेजिलस एंथ्रेसिस करके दवाई ढूंढी थी। कौन सी? बेजिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स करके डिजीज के लिए। किसके लिए? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक दिमाग की बीमारी है, ठीक है। बेजिलस एंथ्रेसिस करके एंटीबायोटिक ढूंढी थी। किसके लिए भाई? एंथ्रेक्स डिजीज के लिए। ये लिखा मैंने एंथ्रेक्स, ओके। वैक्सीन, अब तक हमने कौन से डिजीज की वैक्सीन ढूंढ ली है? जो बहुत ही कॉमन डिजीजेज है, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। टीबी के लिए डॉट्स करके दवाई ढूंढी है। पहले टीबी एक खतरनाक डिजीज माना जाता था क्योंकि उसका कोई दवाई था नहीं, बट अब दवाई है, ठीक है। टीबी का दवाई डॉट्स, DOTS, डॉट्स, डॉट्स करके दवाई है जो सरकार देती है। उसका गोली आता है, मतलब टेबलेट्स आती है, उसको हमें रेगुलरली कुछ कुछ टाइम के बाद लेना होता है, ठीक है। हिपेटाइटिस, हाथी पगो कही आप, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन एंड स्मॉल पॉक्स। यहाँ पे लिखा है स्मॉल पॉक्स मतलब अच्छा बड़ा उसकी, और आज स्मॉल पॉक्स बहुत जगह से निकल भी गया है क्योंकि वैक्सीनेशन के थ्रू निकल गया है। एक और वैक्सीनेशन के बारे में आपने सुना होगा, पोलियो की। हमारा गवर्नमेंट पल्स पोलियो करके प्रोग्राम चलाता है। कौन सा? पल्स पोलियो। तो वो महीने का कुछ टाइम होता है, वो रविवार को है ना, हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, वो पोलियो की खुराक, पोलियो का डोज बच्चे को देते हैं। मैंने आपने सबने पी है, ठीक है। तो वो जो दवाई आती है जो सीधा है ना ओरल है, सीधा मुंह से लेना होता है, वो इतना शैशे में आता है, ठीक है। आपने दूसरे भी देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है, जब जन्म लेता है, उसके बाद में क्या होता है, उसको बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। इंजेक्शन में क्या होता है भाई? वैक्सीन होती है जिससे उनको बहुत सारे डिजीज होने, ओरी, अछबड़ा, वो सब आता है, BCG, वो सब डिजीज, वो सब वैक्सीनेशन के वैक्सीन्स के नाम है, ठीक है। तो कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हिपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। सम बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन एंड इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। एक राइजोबियम करके बैक्टीरिया है जो जमीन में पाया जाता है, वो जो अपने कठोर आवे ना, कठोर, ठीक है, उनके जो रूट्स होते हैं ना, उसमें ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है। अभी जो बारिश हो रही है, तो बारिश में से जो नाइट्रोजन गैस जो ऊपर है, वो एसिड में कन्वर्ट होकर जमीन में जाता है। जमीन में राइजोबियम बैक्टीरिया उसको वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। उससे क्या होता है, वो प्लांट आराम से ले सकता है और प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है, ठीक है। तो उसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लांट बनाता है। तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया जब नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, यूजेबल फॉर्म में बनाता है, तभी वो आगे राइजोबियम बैक्टीरिया बनाता है, उसके बाद में ही प्लांट यूज कर सकता है। तो उसका सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होता है क्योंकि प्लांट उसको आराम से ले सकता है, ठीक है। तो ये सब हमने देखे कि उसके यूजेस क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी बैड इफेक्ट्स फॉर मतलब नॉन फ्रेंडली बिहेवियर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो दुश्मन है हमारे, उसके बारे में। बहुत सारे डिजीज फैलाते हैं, तो डिजीज के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने जो भी स्टडी किया वो सब उसका यूजेस है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई उसके खराब इफेक्ट्स कौन से है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय स्वामीनारायण।